हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर वन, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। सो टुडे हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक स्टार्ट कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम सिमरन सहानी एंड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th एंड 12th की ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आप 11th में हो या 12th में हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इको, साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम देयर। आज चैप्टर हमें स्टार्ट करना है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, आपका फर्स्ट चैप्टर है ये क्लास 12th की ज्योग्राफी का। तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन दे रखा है ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है, किस तरीके से ज्योग्राफिस्ट ने एक सब्जेक्ट बनाया ह्यूमन ज्योग्राफी, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ चुके हो और अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की एक्सटेंसिव स्टडी करेंगे इस पूरी बुक के अंदर। तो व्हाट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो पहले ही हमें बता दिया जो रीच है ज्योग्राफी की वो बहुत ही एक्सटेंसिव है, यानी कि कोई भी फिनोमेना आप उठा लो ह्यूमन रिलेटेड या नेचर से रिलेटेड, उसको हम ज्योग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं। तो रीच जो है ज्योग्राफी की वो एंड एवरी इवेंट एंड फिनोमिना विच वेरी ओवर स्पेस एंड टाइम, यानी कि स्पेस एंड टाइम के ऊपर वेरी करता हुआ कोई भी फिनोमिना है हम उसे ज्योग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर का क्लाइमेट ऐसा हैगा, सर्दियों में ऐसा होता है, गर्मी में ऐसा होता है, सर्दी में ये वाली वेजिटेशन के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, और जितनी भी चीज़ें होती है जो टाइम और प्लेस के हिसाब से हम स्टडी करते हैं वो हम ज्योग्राफी के अंडर स्टडी करते हैं। जैसे हम 6th, 7th में, 8th में हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी, कहाँ का फ्लोरा फौना कैसा है, कौन रिवर कहाँ से निकल रही है, ये चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे थे। उस समय पे हमें नहीं पता था क्या ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है एंड क्या फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, बट नाउ वी नो दैट। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारी बुक में बता रखा है जो अर्थ सरफेस है उसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है फिजिकल और नेचुरल, जो पहले से ही हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल क्या क्या हो गया, सन हो गया हमारा, वाटर हो गया हमारा, फ्लोरा फौना हो गया हमारा, लैंड हो गया हमारा, तो ये सब चीज़ें जो नेचुरली, माउंटेन्स, रिवर्स, जो नेचुरली हमारे यहाँ प्रेजेंट होती हैं उनको कहते हैं हम फिजिकल या फिर नेचुरल एलिमेंट्स। सेकेंड हमारे अर्थ का कॉम्पोनेंट होता है मैन मेड एलिमेंट्स या फिर जिसको लाइफ फॉर्म्स बोला जाता है, जो मैन ने नेचर से हेल्प लेकर बनाया है। जैसे कि हमने रेलवेज बनाई, हमने बिल्डिंग्स बनाई, हमने टाउन्स बनाए, विलेजेस बनाए, तो प्रिमिटिव एज में सब कुछ नहीं होता था, धीरे धीरे बसावट होनी शुरू हुई और हमने नेचर के साथ एसोसिएट करके विलेज बनाया, टाउन बनाया, फिर इंडस्ट्रीज सेटअप करी, फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर करा, तो इस तरीके से रेलवे सेट करी। तो ये जो मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं एक हमारे अर्थ के और एक होते हैं फिजिकल और नेचुरल एलिमेंट्स, तो ये दोनों में आपके वन मार्कर्स में आ सकता है डिफाइन नेचुरल एलिमेंट एंड द मैनमेड एलिमेंट। नाउ हमें पढ़ना है व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी तो आप सबको पता है, 11th में हमने पढ़ा था, तो उसका बस आपको डिफरेंशिएट करने को एग्जाम में आएगा, तो उसके हम डेफिनेशन लिखेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट। जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट के अर्थ के बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, टेरेन हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, सेटलमेंट हो गया, वो आता है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। नाउ अब हमें पढ़ना है व्हाट इज द ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहले बहुत सिंपल शब्दों में पढ़ा रही हूँ, अब हम ह्यूमन क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एक कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कैसे नापी जाती है, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, माइग्रेशन क्यों होता है, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, जो कुछ भी ह्यूमन रिलेटेड फिनोमेना है उसके बारे में हम ह्यूमन ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी शोज द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन नेचुरल एंड द फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहला ह्यूमन ज्योग्राफी आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को आएगी, तो फर्स्ट पॉइंट यू विल मेंशन दैट ह्यूमन ज्योग्राफी हमें रिलेशन बताती है अबाउट द ह्यूमन नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। नेचुरल फिजिकल इज द सेम थिंग ओनली, तो हम किस तरीके से ये जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके अंदर रह रहे हैं उसका रिलेशन हमें ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पता चलता है। सेकेंड क्या हो गया, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट। अब इसमें हम सेकेंडली ये पढ़ते हैं स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कि किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। कुछ एरियाज देखो ऐसे होते हैं जो रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रह पाते, कोल्ड डेजर्ट हो गई, हॉट डेजर्ट हो गई, वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा नहीं होता, प्लेन के अंदर सेटलमेंट ज़्यादा होता है। कोस्टल एरियाज के पास में जो लोग रहते हैं तो वो लोग फिशिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं, कई बार जॉब के लिए करते हैं,
बार डिजास्टर की वजह से करते हैं और कई बार वो लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस की वजह से माइग्रेट भी करते हैं, और किसी जगहों का मोर्टैलिटी रेट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है डेवलपमेंट की वजह से या फिर क्लाइमेट की वजह से। तो ये सब चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कितने कॉन्टिनेंट में कैसे लोग रह रहे हैं, कौन सी जगह पर कैसे लोग रहते हैं, एंड ह्यूमन सेटलमेंट किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन जो है वो सेटल हो रखे हैं। नाउ हाउ कम अबाउट द सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, यानी कि देखो जब ये अलग अलग जगहों पे लोग बस जाते हैं तो उसकी वजह से हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस होता है। सोशल डिफरेंस हमें पता है कि जात पात को लेकर कई बार डिफरेंस हो जाता है, या फिर सोसाइटी का डिफरेंस आप मानो, हमारा वेस्टर्न कल्चर से इंडियन कल्चर कितना चेंज है, अमेरिका वाले अपने तौर तरीकों से चलते हैं, हम लोग अपने तौर तरीकों से चलते हैं, तो सोसाइटी का डिफरेंस होता है। सेकेंडली हो गया इकोनॉमिक डिफरेंस, सबसे लोअर लेवल पर देखो आप तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया का देखो, जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं उनमें और हमारे, अगर आई एम लिविंग इन अर्बन टाउन तो मेरे और उनमें भी इसमें बहुत डिफरेंस है। क्यों है? बिकॉज इकोनॉमिक डिफरेंस आ जाता है। कई बार जो रूरल एरियाज होता है वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आ पाता, ज़्यादा जॉब नहीं आ पाती, और अर्बन एरिया ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो अर्बन एरियाज के लोग मेनली ज़्यादा अमीर होते हैं, दे आर मोर वेल्दी, और जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द लेबर वर्क। तो इस तरीके से इकोनॉमिक डिफरेंसेज जगह की वजह से भी हो सकते हैं, एंड सोशल डिफरेंस भी हमारे इन ह्यूमन सेटलमेंट्स की वजह से हो सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको एग्जाम में मेंशन करने होंगे। व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन नेचुरल एंड द फिजिकल वर्ल्ड, इट प्रेजेंट्स द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट, इट टेल्स अस हाउ द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस अकर, किस तरीके से ये सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस अकर होते हैं। तो बहुत एक्सटेंसिवली मैंने तुम्हें बता दिया व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। आप ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना, तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो एक ज़माना आया होगा ना जब किसी ने मिल बैठ के इन सब्जेक्ट को बनाया होगा, कोई ज्योग्राफी बैठे होंगे उन्होंने बनाया होगा, अरे भैया एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट बनाते हैं और बच्चों को वो दिलवाएंगे और उनसे बोर्ड का एग्जाम दिलवाएंगे उनसे, ठीक है। तो ये किसके दिमाग में आया? ये ज्योग्राफी के दिमाग में आया होगा। तो उस समय पर दो हिस्सों में बढ़ गई थी हमारी ज्योग्राफी को स्टडी करने की, अप्रोच कहो या डिसिप्लिन कहो, कि किस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ा जाए, व्हाट आर द वेज, क्या क्या तरीके अपनाए जाए ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। तो टू वेज हो गए थे, दो वेज में डाइवर्स हो गए थे, एक ज्योग्राफी इस साइड, एक ज्योग्राफी इस साइड। तो पहले हम डिसिप्लिन को डिस्कस करेंगे कि दो डिसिप्लिन कौन से निकल के आए, हाउ शुड वी स्टडी द ज्योग्राफी। तो सबसे पहला डिसिप्लिन था नोमोथेमिक अप्रोच, और दूसरा था हमारा आइडियोग्राफिक अप्रोच। साइकोलॉजी में भी नोमोथेमिक आइडियोग्राफिक का डिफरेंस आता हैगा। देखो नोमोथेमिक अप्रोच होती है लॉ मेकिंग प्लस थ्योरिटिकल अप्रोच, कुछ समझ में नहीं आया होगा, आई अंडरस्टैंड। लॉ मेकिंग थ्योरी क्या हो गया? लॉ मेकिंग थ्योरी देखो इसका मतलब ये होता है जो नोमोथेमिक अप्रोच से किसी चीज़ को स्टडी करते हैं वो वर्ल्ड को एज अ होल लेके चलते हैं, वो कोई सिंगल इंडिविजुअल का फिनोमेना नहीं देखेंगे कि इसको यहाँ पे कैसा फील हो रहा है, नहीं, वो पूरे वर्ल्ड को देखेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। दे आर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब कि सबके लिए सेम, ऑब्जेक्टिव मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए सेम, वर्ल्ड एज अ होल लेके चलते हैं नोमोथेमिक अप्रोच वाले। इसमें पूरा एक टोटल एरिया को देखा जाता हैगा, सिंगल इंडिविजुअल को नहीं, टोटल एरिया को इसमें देखा जाता है। अप्रोच इसमें कैसी होती है? ऑब्जेक्टिव होती है। तो ये होता है हमारा नोमोथेमिक प्रिंसिपल। इसमें लॉज बनते हैं मेनली प्रैक्टिकल, और हम लोग लॉज बनाते हैं इसमें, प्रैक्टिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, दिस इज द नोमोथेमिक अप्रोच। सेकेंड होती है आइडियोग्राफिक अप्रोच, ये डिस्क्रिप्टिव होती है। जैसे कि आप काउंसलर के पास जाते हो, आप बैठोगे तो मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताओगे, तुम अपनी इंडिविजुअल बेस की प्रॉब्लम बताओगे, मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, फिर वो तुम्हारे ऊपर केस स्टडी करेगा, केस स्टडी करेगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। एंड ये होती है आइडियोग्राफिक अप्रोच। जब हम किसी सिंगल इंडिविजुअल फिनोमेना का हो या सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर बात करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम आइडियोग्राफिक अप्रोच कहते हैं। इसमें सिंगल को लिया जाता है, इसमें वर्ल्ड एज अ होल को लिया जाता है, इसमें पूरे को, इसमें सिंगल को, इसमें मेनली केस स्टडीज की जाती हैं। और ये सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जो बंदा उसकी स्टडी कर रहा है, जो उस फिनोमेना को देख रहा है, वो अपने विचार के हिसाब से उसको लिखेगा। तो ये जो आइडियोग्राफिक अप्रोच है ये सब्जेक्टिव होती है, और नोमोथेमिक अप्रोच ऑब्जेक्टिव होती है। तो आई होप आज तुम्हें नोमोथेमिक और आइडियोग्राफिक समझ में आ गया होगा। बुक में बस एक ही लाइन बताई है, नोमोथेमिक इज लॉ मेकिंग प्लस थ्योरी, ये ऑब्जेक्टिव होती है, एंड आइडियोग्राफिक इज डिस्क्रिप्टिव, यानी कि हम इंडिविजुअल लेवल पर देख रहे हैंगे, तो हर एक का अपने पर्सनल ट्रेट्स वगैरह के उसमें हम डिस्कस करते हैंगे। तो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव। अब इसके अप्रोचेस को लेकर भी हमारी बहस होती है, यानी कि दो डाइवर्जेंट व्यूज है। तो पहले तो हमने डिस्कस कर लिया डिसिप्लिन, अब हम करेंगे अप्रोचेस। तो दो अप्रोचेस है इसकी, एक रीजनल अप्रोच, एक है सिस्टमैटिक अप्रोच। इनमें भी सेम सा ही हैगा। देखो जो रीजनल अप्रोच वाले होते हैं कि हम एक रीजन पकड़ेंगे, जैसे हमने पकड़ लिया इंडिया,
अब सारे ज्योग्राफीज मिलकर इंडिया में आ जाएंगे, इंडिया का एग्रीकल्चर चेक करेंगे, इंडिया का क्लाइमेट चेक करेंगे, इंडिया की वेजिटेशन, रेनफॉल, फलाना ढमकाना, सब कुछ वो लोग इंडिया का ही चेक करेंगे. ओके, तो रीजनल अप्रोच वाले सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस का सब कुछ चेक करना चाहते हैं. नाउ सेकंड कम्स द सिस्टमैटिक अप्रोच. सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं कि हम पूरा एक होल एरिया लेंगे, यानी कि हम पूरा का पूरा वर्ल्ड सारे के सारे अपने कॉन्टिनेंट्स लेंगे एंड उसके अंदर पहले हम क्लाइमेट चेक करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट ऐसा है, वहाँ पे दिसंबर में क्रिसमस मनाया जाता है पर वहाँ उस समय समर होती है और यहाँ पे विंटर में क्रिसमस मनाया जाता है, यहाँ इस समय ठंड होती है. तो इस तरीके से पहले क्लाइमेट स्टडी करते हैं ये लोग. फिर क्लाइमेट जब पूरे वर्ल्ड का खत्म हो जाएगा फिर दूसरा फिनोमेना पकड़ेंगे, फिर तीसरा फिनोमेना पकड़े रेनफॉल पकड़ी. तो इस तरीके से जो रीजनल वाले हैं वो एक प्लेस पकड़ते हैं, उसकी सारी ए टू जेड चीज़ें निकालते हैं और जो सिस्टमैटिक वाले हैं वो पूरे वर्ल्ड का एक फिनोमेना को स्टडी करते हैं. जैसे कि रेनफॉल है, अफ्रीका में कितनी हो रही है, एशिया में कितनी हो रही है, अमेरिका में कितनी हो रही है, साउथ अमेरिका में कितनी हो रही है, अंटार्कटिका में हो भी रही है या नहीं हो रही है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच. तो यहाँ मैंने एक सिंगल वर्ड में लिखा है, अगर यही तुमने अभी अपनी कॉपी में लिख लिया तुम लाइफ में कभी नहीं भूलोगे. रीजनल अप्रोच वाले कहते थे वन प्लेस का सारे फिनोमेना चेक करेंगे हम, और जो सिस्टमैटिक अप्रोच वाले होते थे वो होल एरिया का फिनोमेना को चेक करते थे. तो विद दिस हमारा ये हाफ ऑफ द चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है. अब ये जो डुअलिज्म था, यानी कि तो बहस करते ही रहते, ऐसे तो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट कभी बन ही ना पाता. एक कहता नोमोथेमिक रखो, एक कहता आइडियोग्राफी रखो, एक कहता रीजनल रखो, एक कहता सिस्टमैटिक रखो. तो हमें ये जो डाइकोटॉमी, इसको बोला गया डाइकोटॉमी, जब दो डाइवर्जन व्यूज थे ना इसको बोला गया डाइकोटॉमी. तो इस डाइकोटॉमी का सॉल्यूशन निकला, कैसे निकला, देखो कि ये जो डाइकोटॉमी तुम कर रहे हो, ये जो बहसबाजी तुम कर रहे हो, दिस इज ट्रूली इनवैलिड. ये इनवैलिड है. क्यों इनवैलिड है? बिकॉज द ह्यूमन एंड नेचर आर इनसेपरेबल. तुम एक तरीके से पकड़ो या दो तरीके से पकड़ो, दूसरे तरीके से पकड़ो, आंसर विल बी द सेम. ह्यूमन एंड नेचर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो योर आंसर विल ऑलवेज कम द सेम. तो आपकी मर्जी, आप नोमोथेमिक पढ़ना चाहो, आपकी मर्जी आप एडोग्राफिक पढ़ो, आपकी मर्जी आप रीजनल अप्रोच यूज करो, या आपकी मर्जी आप सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करो. तो ये बहसबाजी करना, ये डायकोटॉमी करना वॉज इनवैलिड. एंड हमें इन सब प्रिंसिपल्स को, पूरी ज्योग्राफी को होलिस्टिक व्यू से देखना है. वॉट इज होलिस्टिक? नाउ होलिस्टिक वर्ड होता है जब आप किसी चीज को होल में लेके देखो, होल में, होलिस्टिक व्यू. ऊपर ऊपर का नहीं देखना है आपको, पूरा सबको एक साथ इकट्ठा करके देखना है. तो होलिस्टिक व्यू में जैसे हम कहते हैं कि जो ह्यूमन है और जो अर्थ है और जो हमारे लाइफ है अर्थ पे, दे आर इंटीग्रेटेड. कई जो, अगर आपको पता हो तो कई सारी स्टेट के ऊपर थ्योरीज बनी हैं, उसमें जो हमारा अर्थ है उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बता रखा है. जैसे कि हम होते, हमारी बॉडी होती है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही अर्थ है. अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, कंट्रीज में डिफरेंट स्टेट्स है. जैसे हमारी आर्टरीज होती हैं जो फ्लड हमारे को फूड पहुंचाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन करती है, वैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे अगर हम लाइफ में देखें तो एग्रीकल्चरल है, हमारे तीन मेन सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर. तो इसी तरीके से जैसे हमारा फूड सर्कुलेट करती है ना आर्टरीज, तो वैसे ही टर्शरी सेक्टर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैगा वो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को इधर से उधर पहुंचाता है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कई बार कंपेयर करा जाता है अकॉर्ड फ्रॉम अर्थ. कई ज्योग्राफिस्ट ने भी कई थ्योरीज बनाई है, आप आगे चल के पढ़ोगे, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग जो हैं और जो अर्थ की करेक्टरिस्टिक्स है दे आर द सेम. तभी हमारे पास कुछ मेटाफर्स है, जैसे कि हम कहते हैं फेस ऑफ अर्थ. अब क्या अर्थ की कोई शक्ल होती है? नहीं. हम कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, तो स्टॉर्म की कोई आई नहीं होती है बट हम उसको उससे एसोसिएट करते हैं. वी से माउथ ऑफ द ओशन, नेक ऑफ द, पता नहीं क्या था वो, नोज ऑफ द ग्लेशियर. ठीक है, तो ये सब मेटाफर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज हम अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से कई बार कंपेयर करते हैं. तो ये जो ये डायकोटॉमी थी, दिस इज इनवैलिड, आप एक तरीके से पकड़ो या दूसरे तरीके से पकड़ो, द आंसर विल बी द सेम. तो दिस हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. तो इस नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड. यानी कि जितने हमारा फिजिकल वर्ल्ड है और जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसका इंटरेक्शन हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. तो दो कंपोनेंट्स बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स. फिजिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में वही आता है जो मैंने यहाँ पढ़ाया था, लैंडफॉर्म, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है. सेकंड होते हैं ह्यूमन मेड एलिमेंट, जो हम
हमारे नेचर का यूज करके बनाते हैंगे, नेचर के रिसोर्सेस को यूज करके बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बनाए फार्म, हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा, हमने फार्म बनाया, हमने पोर्ट बनाया, हमने शिप्स बनाए, हमने इंडस्ट्री सेटअप करी, हमने बिल्डिंग बनाई, रोड बनाई, रेलवेज बनाई। तो दिस इज द ह्यूमन मेड एलिमेंट, और जो पहले से प्रेजेंट होता है दैट इज द फिजिकल नेचुरल एलिमेंट, लैंड फॉर्म, सॉइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो अभी आपको पढ़ा दिया, आगे चल के आपको ये 1 मार्क एंड 2 मार्क्स में ऑब्वियस एग्जाम में आ जाएगा। तो दीज शॉर्ट शॉर्ट थिंग्स बच्चे इनको भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं, और बाद में एग्जाम्स में कंफ्यूज होते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, हार्ट ऑफ दिस चैप्टर पे हम आ गए हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नाउ व्हाट इज दिस, इसमें हम पढ़ेंगे। देखो बहुत पुराने जमाने में चलो पीछे 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 पीछे, तो उस समय पे देखो लोग इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, हम कहते हैं आदिवासी टाइप लोग रहते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आज जब कभी आग जलाने का भी तरीका नहीं आता था, और आज हम लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमारे पास स्मार्टफोन आ गया, हम इधर से उधर ये चीज भेज रहे हैं, वो चीज भेज रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आज के टाइम पे पॉसिबल हो चुका है। तो वो कैसे हुआ, वो कैसे लोगों इतने ज्यादा डेवलप, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो जो भी इंसान है उसने नेचर के अंदर रहना कैसे शुरू करा, बाय इंटरेक्टिंग विद नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ भी जो फिनोमेना है जो हमारे को परेशान कर रहा है, जैसे कि कहीं जगहों पे बहुत ठंड है तो उसको हमने टेक्नोलॉजी से कवर करा, हम वहां पे हीटर लेकर आए। कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर आपको आप देखो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज देखो, UAE देखो, वहां पे कितनी गर्मी होती है, तो लोग वहां से AC चला के रखते हैं। तो AC किससे बना, टेक्नोलॉजी से बना। तो धीरे धीरे हमने, और अगर प्रिमिटिव सोसाइटी में जाओ तो खाना नहीं होता था खाने के लिए, तो उन्होंने आग जलाई, व्हील कन्वेंशन हुआ, तो उस समय पे इन चीजों को भी टेक्नोलॉजी ही कहा जाता था। तो हमने नेचर में रहना कैसे शुरू करा, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम नेचर में वैसे ही रह रहे होते वो बंदर बंदर बन के। तो टेक्नोलॉजी ने हमारी बहुत मदद करी है टू अडेप्ट विद द नेचर। सेकेंडली क्या होता है, अब हमने टेक्नोलॉजी कैसे बनाई, इज इट वेरी इजी टू मेक द टेक्नोलॉजी, नो। जब हमने लॉज ऑफ नेचर को समझा तब हमने टेक्नोलॉजी बनाई। जब हमें एयर प्रेशर फ्रिक्शन वगैरह के बारे में पता चला तो हमने एरोप्लेन बनाया, और जब हमें सी रूट्स के बारे में पता चला, हमें डायरेक्शंस के बारे में समझ में आया, हमें शिप बनाए, उसके बाद हमने सर्फिंग करनी शुरू करी। पहले जमाने में लोग इधर उधर नहीं घूमते थे, जब शिप बनने की टेक्नोलॉजी आई तो हमने ऑल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करा। जब DNA के बारे में पता चला तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पता चला। जब हमें DNA RNA की नॉलेज मिली, केमिकल्स की नॉलेज मिली, तो हमने मेडिसिन बनाई जिसके थ्रू अगर कोई बीमार है तो वो निकाल के ठीक हो सकता है। हमने डेथ रेट को कंट्रोल करा। तो लॉज ऑफ नेचर को समझा हमने, डायकोटॉमी को समझा हमने, जो कहते हैं कि हमने किसी की बॉडी को समझा, हमने ह्यूमन बॉडी का DNA वगैरह समझा, हमने एयर प्रेशर और फ्रिक्शन पढ़ा, हमने हीट एंड लाइट का फिनोमेना पढ़ा। तो इन सब लॉज को समझ के हमने टेक्नोलॉजी बनाई, और उस टेक्नोलॉजी से अब हम यहाँ रह रहे हैं। तो 3 स्टेजेस है हमारी, ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने सब कुछ बना दिया। तो वी हैव सीन कैसे स्टेजेस में हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी। तो फर्स्ट स्टेज वो थी जिसमें नेचर इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन, यानी कि नेचर डोमिनेट करता था ह्यूमन को। इस समय पर टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, प्रिमिटिव सोसाइटी की इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें डेवलपमेंट बहुत लो होती थी। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन, और ये मदर नेचर की स्टेज थी। यानी कि आप ये समझ लो कि नेचर एंड टेक्नोलॉजी की शादी हो गई है। तो पहले जमाने में क्या होता था, जो नेचर है वो ज्यादा डोमिनेंट होता था, हमको नेचर के हिसाब से वर्क करना पड़ता था। क्या करते थे हम, जैसे कि लोगों को कच्चा खाना मिलता था तो वो ही खाना पड़ता था, और जैसा घर पत्थर का घर वर बना के लोग रहते थे, आग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो नॉर्मली लोग उस समय नेचर के अंडर रह रहे थे, प्रिमिटिव लोग। उसके बाद सेकेंड स्टेज आई हमारी, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों ने जो अर्थ की रिसोर्सेस है उनको यूज करके टेक्नोलॉजी बनाना यूज कर दिया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट आनी शुरू हुई, हम स्टेज ऑफ नेसेसिटी से स्टेज ऑफ फ्रीडम में पहुंचे। नेसेसिटी स्टेज मतलब, मैंने बोला ना, कच्चा खाना मिल रहा है खा लिया, जो उठा के खा लिया, जो कुछ मिल रहा है पत्ते पत्ते पहन लिए। तो पहले हम नेसेसिटी पे जिंदा रहे थे, बट आजकल के आज हमारे पास फोन। ओके, तो बेसिकली हम लोग बिल्कुल ही पहले ज़माने में नेसेसिटी की लाइफ में रह रहे थे, बट अब लोगों को फ्रीडम मिलना शुरू हुआ जब उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू करा। और टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करी, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करा, कोल को यूज़ करा, हम लोगों ने स्टीम इंजन्स बनाए, रेलवे बनाई, हम लोगों ने फायर बनाया और व्हील बनाई वुड से, टूल्स बनाए। आपने हरप्पन सिविलाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को यूज़ करके
कितनी अच्छी सोसाइटी अपनी डेवलप करी थी। तो धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज का यूजेज लोगों को समझ में आया एंड हम लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट करनी शुरू करी। तो पहली वाली स्टेज जिसमें नेचर हम भी डोमिनेट कर रही थी, हम नेचर के हिसाब से चल रहे थे, बारिश है तो बारिश में रहेंगे, धूप है तो धूप में रहेंगे, कच्चा खाना है तो कच्चा खाना खाएंगे, दैट स्टेज वॉज नोन एज द इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन। एन्वायरमेंट हमें डिटरमाइन करिए, हम एन्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगे। सेकेंड स्टेज आ गए हमारी पॉसिबिलिज्म। अब हमें एक रे ऑफ होप दिखी और वो रे ऑफ होप हमारी क्या थी, रे ऑफ होप हमारी थी नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हमने यूज़ करके ह्यूमन रिजॉर्ट्स बनाए, टाउन बनाया, बिल्डिंग बनाई, फील्ड बनाया और कट्स बनाए और हमारी लाइफ ईजी हो गई। तो अब हम लोगों ने डेवलप करना शुरू कर दिया। नाउ थर्ड टाइम इज़ द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ इज़ ऑल्सो नोन एज नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप और गो। अब इसको नियो डिटर्मिनिज्म क्यों कहा गया, देखो इसमें हमें बताया गया है कि अगर आप डेवलप कर रहे हो विदाउट एनी स्टॉपेज तो वो भी गलत हो सकता है। अगर तुम किसी गाड़ी को बहुत लंबी स्पीड पर ले जा रहे हो, 200 तक तुमने पहुँचा दिया और तुम रुक ही नहीं हो रहे हो, तो दैट मीन्स तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, पॉसिबल है एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम डेवलपमेंट नहीं रोकेंगे, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को नहीं स्टॉप करेंगे, अगर हम लोग रिवर वाटर को गंदा करना बंद नहीं करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा जो वर्ल्ड है इट विल डिसॉल्व। क्या होगा, डिजास्टर आएंगे, कहीं सुनामी आएगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं आग लगेगी, कहीं वोल्केनिक एरप्शन होगा, ओजोन लेयर फट जाएगी, तो यूवी रेज हम आए तक पहुंचेंगी। तो अगर हमने अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को कभी कभी स्टॉप नहीं करा तो क्या होगा, वी ऑल नो दैट हमारी जो लाइफ है उस पर वो एंड हो जाएगी। तो थर्ड स्टेज इज अ मिडिल पाथ दैट इज नोन एज द नियो डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या है, वी हैव टू डेवलप बट वी हैव टू ओबे ऑल्सो। हमें डेवलप करना है बट जो नेचर, मदर नेचर जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, हमें उन्हें ओबे भी तो करना है, हमें लिमिट में रहना है, हमें उन्हें गंदा नहीं करना है। कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है व्हेन वी हैव टू स्टॉप, जैसे कि ग्रिफिथ टेलर ने ये चीज कही दैट एवरीथिंग इन अ लाइफ इज लाइक अ ट्रैफिक लाइट, आप कह सकते हो। कभी कभी अर्थ हमें सिग्नल देता है, जैसे कि अभी क्या हुआ, कोरोना वायरस हुआ, तो हमने देखा लोग कह रहे हैं कि रिवर अपने आप, जो गंगा सालों से गंगा हमारी थी जो इतनी साफ नहीं हो रही थी, तो हमने जब लॉकडाउन हुआ तो गंगा साफ हो गई, कई लोगों को पॉल्यूशन लेवल हट गया, तो हिमालयाज देख रहे थे। तो ये सब क्यों हो रहा था, स्टॉप एंड गो इस समय पे हुआ, लोग स्टॉप हो गए, सब कुछ रुक गया, एवरीथिंग वॉज स्टॉप्ड। तो उन दिनों आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे स्काई कितना क्लियर लगता था, पॉल्यूशन नहीं था, क्लियरिटी थी, हवा चल रही थी, अप्रैल में भी गर्मी नहीं थी। वाई, बिकॉज उस टाइम पे स्टॉप और गो हो रहा था, नियो डिटर्मिनिज्म हो रहा था। क्यों, बिकॉज हम लोग रुक गए, मदर नेचर को हील होने का टाइम हो गया। और इसमें ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि ट्रैफिक लाइट की तरह रेड सिग्नल मिलता है देन यू हैव टू स्टॉप, देन अर्थ ग्रीन सिग्नल भी देती थी, चलो अब अपना काम में लग जाओ और डेवलपमेंट तुम लाना चाहो तो लाओ, नाउ आई एम हील्ड। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है हमारा। तो यही साफ साफ है दैट वी कैन नॉट डू द फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट। अगर लोग रुकेंगे नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई तो ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा, यूवी रेज हमारे तक पहुंचेंगे, हम मर जाएंगे, सुनामी आएगी और बड़े बड़े वोल्केनिक इरप्शंस होंगे एंड द अर्थ विल एंड, तो वी हैव टू स्टॉप एट अ लिमिट। तो ये डायरेक्ट आपका सिक्स मार्क में क्वेश्चन आएगा। तो इसने तीनों स्टेजेस आपको बतानी है। अर्ली स्टेज को एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन कहते हैं, पैसेज ऑफ टाइम वाली स्टेज को पॉसिबिलिज्म कहते हैं, एंड द थर्ड स्टेज विच इज़ द मिडिल पाथ जिसमें हम नेचर एंड हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी रिसोर्सेज के साथ कंपैटिबल हो गए, ओबे करके चलते हैं, दैट स्टेज इज नोन एज द नियो डिटर्मिनिज्म स्टेज। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। दैट्स ए पैसेज ऑफ टाइम से ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है कैसे डेवलप हुई। कुछ लोग कहते थे इस तरीके से स्टडी करेंगे, कुछ लोग, तीन स्टेजेस थी जिनके थ्रू हम ज्योग्राफी को स्टडी करते थे, अप्रोचेस थी, स्टडी मटीरियल था। लेट्स स्टडी। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे दैट किस तरीके से ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो डेवलप हुआ धीरे धीरे, किस तरीके से लोगों ने ज्योग्राफिकल आप कह सकते हो एवोल्यूशंस होना हमारा स्टार्ट हुआ। एक टाइम ऐसा था जब जो लोग जिस जगह में रह रहे वहीं सीमित होते थे, शिप्स नहीं थी, शिप बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वोएजेस नहीं होती थी, ट्रैवलर्स इधर से उधर ट्रैवल नहीं करते थे। देन देयर कम अ टाइम जब शिप बना एंड कोलोनियल एरा की बात करो, जैसे जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई, इन ब्रिटिशर्स ने अलग अलग जगहों पर जाना शुरू कर दिया। हमने वाइकिंग देखा है, हमने देखा किस तरीके से वाइकिंग्स ने इधर उधर जाना शुरू करा। तो हाउ डिड आर सोसाइटी डेवलप, दैट वी विल स्टडी ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट, कैसे सब कुछ इवोल्यूशन हुआ। ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ पका पकाया, एक बुक निकाल दी ज्योग्राफी ने साइकोलॉजी की, ज्योग्राफी की, नहीं, धीरे धीरे सब कुछ इवोल्यूशन हुआ हमारी ज्योग्राफी का, दैट वी विल स्टडी इन दिस। तो हमें इसमें बेसिकली तीन अप्रोचेस बताई गई हैं। कई लोग कहते थे वी विल स्टडी
दिस, विल स्टडी दिस, विल स्टडी दैट, तो उन तीन अप्रोचेस का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में. तो आर फर्स्ट अप्रोच इज़ द वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. इसमें कहा जाता है कि अगर हमें ज्योग्राफी को पढ़ना है तो हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे. हम आस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबींग पे फोकस करेंगे, यानी कि जो एक इंसान है, जो एक ह्यूमन बींग है, कोई सोसाइटी है, उसकी वेलबींग पे फोकस करेंगे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे, सैनिटेशन लेवल पे फोकस करेंगे. तो अगर होलिस्टिकली पूरा पूरा देखा जाए तो ये जो वेलबींग है, जो नए बेसिक नेसेसिटीज़ है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा इन द डिफरेंट एरियाज एंड इन डिफरेंट रीजन. तो वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये होती है. सेकेंड है हमारी रेडिकल अप्रोच, जो बहुत फेमस कार्ल मार्क्स जो एक फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर, उनके उस फिलोसफी पे बनी है कि अगर हमें एक्सप्लेन करना है पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब हम ज्योग्राफी में हर एक चीज़ की स्टडी करते हैं, पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो वी स्टडी दैट किस कॉन्टिनेंट के अंदर किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, किस कॉन्टिनेंट में ज़्यादा डेवलपमेंट है, कौन सा डेवलप्ड है, कौन से में पॉवर्टी नहीं है, कौन से में ज़्यादा है, ये सब कुछ हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं. तो इसमें कार्ल मार्क्स ने बोला था दैट कैपिटलिज्म, ऑल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स नो व्हाट इज कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म वो आइडियोलॉजी होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ होता है. तो अगर किसी कंट्री के अंदर कैपिटलिज्म है, किसी एरिया के अंदर कैपिटलिज्म है, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होगा अगर कहीं पे कैपिटलिज्म है. तो ये हमारे कार्ल मार्क्स ने बोला. तो ये रेडिकल थ्योरी में बिलीव करते थे, ये स्टेट कंट्रोल मेजर्स लाना चाहते थे पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए. थर्ड इज़ द बिहेवियरल अप्रोच. इसमें क्या कहा जाता है कि हमें ज्योग्राफी को स्टडी करना है तो हम लिविंग एक्सपीरियंसेस पे फोकस करेंगे, हम पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेस यानी कि स्पेस का फिनोमेना देखेंगे, हम एथनिसिटी, रेस और रिलीजन को लोग कैसा फील कर रहे हैं, किस एरिया के लोगों का रिलीजन कैसा है, हाउ डिड दे फील लिविंग देयर, और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अगर कोई ट्रैवलर वहाँ जा रहा है हाउ ही इज़ फीलिंग, वो सब वो मेंशन करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्पेस को मेंशन करेंगे कि कहाँ की फ्लोरा फौना कैसी है, दैट वी विल स्टडी. तो ये तीन अप्रोचेज हैं. इस पे नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, एक्सप्लेन द थ्री अप्रोचेज ऑफ द ज्योग्राफी. तो आपको तीनों मेंशन करनी है, वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल अप्रोच. तो विद दिस आपका हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया. हाफ क्या, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब बस हमारे को शॉर्ट जो पैराग्राफ्स दे रखे हैं जिसमें हम डिसिप्लिन वगैरह स्टडी करेंगे वो करना है, एंड दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. एंड यू नो दैट इस चैप्टर के ज्योग्राफी के और हर एक चैप्टर के ज्योग्राफी के नोट्स मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर डाले हुए हैं. स्टार्टिंग में तुम्हें दिख गया होगा इन द ऑन द स्क्रीन. तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे सारे के सारे नोट्स डालती हूँ, क्वेश्चन आंसर डालती हूँ, टेस्ट लेती हूँ ज्योग्राफी, इको, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हर एक सब्जेक्ट का. तो इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ एनी चैप्टर यू कैन गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम आईडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, c_sahani. सो गो एंड फॉलो मी एंड यू विल गेट ऑल द स्टडी मटेरियल नॉट ओनली ऑफ ज्योग्राफी बट ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12th एंड 11th ह्यूमैनिटीज. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ लेट्स स्टडी द फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी. तो जस्ट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. ये जो 5 टॉपिक हैगा दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट इसमें से सबसे ज़्यादा आपके एम सी क्यूज आ सकते हैं. तो इसको आपको स्टडी करना है बिकॉज आपके बार के एग्जाम में एम सी क्यूज़ की वेटेज आई थिंक बढ़ जाएगी. तो विल स्टडी इट. तो क्या है इसमें हम अप्रोचेस पढ़ेंगे, किस तरीके से ज्योग्राफी कुछ कुछ समय बाद चेंजेस आते हैं ज्योग्राफी के. ऐसा नहीं है कि हमने एक ही वे में ज्योग्राफी को पढ़ा, स्टार्टिंग में कुछ पढ़ा, फिर कुछ पढ़ा, फिर जैसे जैसे साल बढ़ते रहे हमने ज्योग्राफी को पढ़ने की जो अप्रोच थी, तरीके थे, उनको चेंज करा. ओके, तो यहाँ पे पीरियड गिवन है, अप्रोच गिवन है और फीचर गिवन है. इसमें बेसिकली आपको जो अप्रोच है वो याद करनी है. छः की एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द 6 ज्योग्राफिकल अप्रोच. तो पहला पीरियड था हमारा कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लोरेशन करने शुरू करे, शिप्स बने और वो इधर उधर गए, वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू करी. तो सबसे पहले पीरियड में क्या हुआ, एक्सप्लोरेशन हुआ और डिस्क्रिप्शन हुआ. इस पीरियड में डिस्कवरी ऑफ न्यू एरियाज हुई, जैसे इंडिया डिस्कवर हुआ, अमेरिका डिस्कवर हुआ, और जब जो कुछ भी जो ट्रैवलर्स होते थे वो जो कुछ भी देखते थे उसको एनसाइक्लोपीडिया या अकाउंट्स में बना के लिख लेते थे. सेकेंड पीरियड भी हमारा कॉलोनियल एज में ही आता है. इसमें इन्होंने रीजनल एनालिसिस करा, इसमें इन्होंने डिफरेंस करा कि ये रीजन ऐसा है, ये रीजन ऐसा है, और इसमें इन्होंने रीजन्स को अंडरस्टैंड करा कि इंडिया है यहाँ पे इस टाइप का ट्रेड होता है, बाकी जैसे कंट्रीज हो गई. तो रीजनल एनालिसिस होना हमारा शुरू हुआ. फिर आया हमारा 1930s का वॉर, जब हमारा वर्ल्ड वॉर के बाद की स्टेज है ये. इसमें एरियल डिफ्रेंसिएशन हुआ, इसमें अलग अलग अप्रोच का नाम क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन. अलग अलग यूनिक फीचर्स देखे गए हर एक कंट्री के, हर एक कॉन्टिनेंट के फीचर्स को देखा गया, फ्लोरा फौना को देखा गया, वेजिटेशन को देखा गया इन दिस
पीरियड. देन वी कम टू द 1950 to 60 स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अप्रोच. इसमें हमें कंप्यूटर की नॉलेज मिली और लॉज ऑफ फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के बारे में इसमें हमें पता चला. जो आइंस्टीन जैसे जैसे हमारे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हो गए उस वो स्टेज में हम उनके बारे में पढ़ेंगे. 1970s में ह्यूमनिस्टिक और रेडिकल अप्रोच आई. वो जो अभी थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ाए थे वो बने हमारे थ्री स्कूल ऑफ थॉट. तो ये अप्रोच यू हैव टू लर्न. एंड लास्ट अप्रोच हमारी कौन सी है, 1990s से लेके अभी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड चल रहा है उसकी, उसमें हम मॉडर्न ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं. हम ग्रैंड जनरलाइजेशन कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को जनरलाइज करके पढ़ रहे हैं और लोकल कंटेंट को इंपॉर्टेंस दिया. अब हम लोग लोकल लेवल के कंटेंट को इसमें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो आपकी ये अप्रोचेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 66 अप्रोच आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, जिससे तुम्हें लर्न हो जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स. नेक्स्ट है आपका सब फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी. कुछ नहीं है, वन मार्क में आएगा ये. तो इसके लिए सोशल ज्योग्राफी है, अर्बन ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी. सोशल ज्योग्राफी की सब फील्ड्स आती हैं हमारी बिहेवियर, कल्चर, जेंडर, हिस्टोरिक, सोशल वेलफेयर. डायरेक्ट वन मार्क में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी, तो यू हैव टू राइट दिस. अर्बन एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी की कोई सब फील्ड नहीं है, बट जो हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी है इसके अंदर दो चीज़ें आती है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी और मिलिट्री ज्योग्राफी. तो विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट. ये जल्दी में अप्रोचेज इसलिए पढ़ाई हैं बिकॉज इसमें कुछ नहीं है पढ़ने को, जस्ट वन मार्क क्वेश्चन के लिए. इन्हें याद करना है तुम्हें और इन दो अप्रोचेज को यू हैव टू रिमेंबर. तो विद दिस आपका ह्यूमन ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल रेगुलरली अपलोड द वीडियोज ऑफ ज्योग्राफी. तो आप जो ज्योग्राफी क्लास 12 बाय सिमरन सहानी प्लेलिस्ट है उसमें अपना ज्योग्राफी का सारा सिलेबस जाके पढ़ सकते हो. नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी से आप ले सकते हो, c_sahani. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के नोट्स का डायरेक्ट लिंक गिवन है, सो यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम देयर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो.